हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू आवर चैनल सोशल ट्रेड हेल्प। जितने भी सोशल ट्रेड के यूजर्स हैं उनके माइंड में एक ही सवाल घर कर गई है कि अनुभव मित्तल जी बाहर कब आएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात कंफर्म कर दूं कि गवर्नमेंट रूल के अनुसार बाहर आने के लिए एक अर्जी देनी पड़ती है, दैट इज़ कॉल्ड बेल एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप लोगों को सुनकर थोड़ा बहुत हैरानी भी होगी कि अभी तक ऐसा कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं किया गया था, बिकॉज ऑफ खुद अनुभव जी, जिन्होंने खुद मना कर रखा था ऐसा करने से। तो फ्रेंड्स, अब हम सबके लिए गुड न्यूज़ है, बेल एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दी गई है। मैं पूरा डिटेल्स दे रहा हूँ विथ प्रूफ, इसे ध्यान से समझें। सबसे पहले हम यूआरएल टाइप करेंगे services.ecourts.government.in। तो मेरे पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें टाइप करना पड़ता है सीएनआर नंबर, जो कि ये है, प्लीज नोट डाउन, UPGB 1002176 2017। यहाँ पे कैप्चा एंटर करना है, जो भी यहाँ पे कैप्चा होगा उसको सर्च पे क्लिक करना है, तो हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फुल डिटेल है कि बेल ये एप्लीकेशन है, केस टाइप में नेम है बेल एप्लीकेशन, जो कि फिलअप किया गया है 13 फरवरी 2017, उसको रजिस्ट्रेशन डेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए। यहाँ पे फर्स्ट डेट मतलब सुनवाई की जो पहली तारीख है वो 17 है। इसका मतलब साफ है कि अभी अभी बेल एप्लीकेशन फाइल किया गया है, जो कि ऑनलाइन है, कोई भी चेक कर सकता है। आप भी चाहे तो ये सब डिटेल पुट करके आपको ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि हमारा एडवोकेट कौन है। एडवोकेट है अतुल कुमार मिश्रा। और कितने टाइप के एक्ट्स लगे हैं, पहले तो 4 थे लेकिन वो बढ़ गए, एक टोटल 6 एक्ट लगे हैं। ठीक है, तो अब आप लोग ये कंफर्म हो गए होंगे कि बेल एप्लीकेशन फाइल कर दिया गया है, तो अब वो 110%, क्योंकि उन्हीं की मर्जी से ये डाला गया है। अब वो कंफर्म है, गवर्नमेंट को बताने के लिए उनके पास सब कुछ है, इसलिए वो बाहर आ रहे हैं। तो पहली तारीख है 17 को, 17 को आपको नेक्स्ट अपडेट देंगे हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। थैंक्स अगेन।